नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम कंप्यूटर का डाटा कैसे कॉपी करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है, हम इस सिस्टम को फॉर्मेट मारने वाले हैं, इसके अंदर वायरस आ गया है। तो सबसे पहले हमने कैसे डाटा कॉपी करना है, तो हमने क्या करना है, स्टार्ट पर जाना है। ये ABC यूज़र दिख रहा है आपको, या आपको ये दिख रहा है, ये ऊपर ABC अपने इसको खोलना है, यूज़र अकाउंट होता है। इसके अंदर जितना भी है आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया है और फिर हमने इसको कॉपी करना है और फिर क्लोज कर दो। फिर आप उसके बाद आपने क्या करना है, अपने माई कंप्यूटर ओपन करना है। अब आप देख रहे हैं इसमें D और E है, तो मैं इसमें A ड्राइव में इसको सेव करूँगा, तो मैं इसको D में करता हूँ। D के अंदर ऑलरेडी इसमें काफ़ी फोल्डर हैं, तो मुझे फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो मैं ऊपर जाता हूँ, या तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, न्यू पर टिक करूँगा फोल्डर, तो इसमें मैं डाटा डाल देता हूँ। डाटा आज तारीख है 5/4/2018, आज ये तारीख है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने इसको क्या करना है, इस फोल्डर को बनाया और इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे हम डाटा कॉपी करते हैं। और इसके बाद अब ये मान लो कि इसके अंदर ये टैली है, ये टैली होता है। तो टैली की पहले तो हम ड्राइव चेक करेंगे, कौन से ड्राइव में इसका डाटा सेव है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, तो ये बता रहा है कि ई ड्राइव से टैली आपका चल रहा है, लोकल ई ड्राइव। आप देख सकते हैं ई ड्राइव ये दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा तो मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये ई ड्राइव बता रहा है, तो इसका अर्थ है कि ई ड्राइव में जो हमारा टैली है वो सेव है। या अगर आपका टैली, जैसे अब मैं बताऊं कि टैली का डाटा हम कैसे कॉपी करते हैं। अब जैसे हम फॉर्मेट मार रहे हैं, तो इस आपके सिस्टम के अंदर टैली डाल रखा है, तो हमने क्या करना है, माई कंप्यूटर ओपन करना है। फिर हमने सी ड्राइव के अंदर जाना है, ये सी ड्राइव है जो विंडो का लोगो बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये सी ड्राइव है, इसको हमने ओपन किया। तो अब मान लो कि आपने इसका ड्राइव जो था वो चेंज नहीं कर रखा था, आपने सी के अंदर भी इंस्टॉल कर रखा है, तो इसको टैली को यहीं से उठाना है और फिर आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। ये कॉपी कर लिया हमने, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको वहीं पर पेस्ट करना है जहाँ पर हमने और डाटा सेव किया। तो मैं आपको बता दूँ आज की डेट का ये था, मैंने यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने कैसे डाटा टैली का कॉपी वो किया है। तो ऐसे ही हम टैली का डाटा कॉपी करते हैं, ऐसे हम डेस्कटॉप माई डॉक्यूमेंट डाउनलोड का डाटा कॉपी करते हैं। जो भी सी ड्राइव के अंदर डाटा होता है हम ऐसे ही कॉपी करते हैं, और यही प्रक्रिया है, ना कि इसमें कुछ और करना पड़ता है। नहीं तो अगर आपने कोई फोल्डर सेव कर रखा है, आप चाहते हैं ये डेस्कटॉप का डाटा है, ये कहाँ पर होता है, आप ABC यूज़र पर जाते हैं, ये देखो आपने ये सारे फोल्डर कॉपी किए हैं, ये डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, माई डॉक्यूमेंट है, तो ये सारा ही आपका आ गया है, माई पिक्चर, माई वीडियोस। तो ऐसे हम इसका डाटा कॉपी करते हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने सीखा कि हम कैसे अपने कंप्यूटर का डाटा कॉपी करते हैं, सी ड्राइव का डाटा कॉपी करते हैं, डेस्कटॉप का डाटा कॉपी करते हैं, डाउनलोड, माय डॉक्यूमेंट, सारा डाटा, और साथ में टैली का डाटा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।